हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते, स्टार्टिंग विद द यूएस। यूएस में हमने लगातार दो दिन से, जैसे हमारे यहाँ पे तो कल छुट्टी थी महाशिवरात्रि के दिन पर, बट यूएस मार्केट लगातार दो दिन से अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। परसों के दिन करीबन 200 पॉइंट नेगेटिव था, कल के दिन करीबन 600 पॉइंट नेगेटिव था। तो दो दिन लगातार हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स की हम बात करें, एशियन मार्केट्स की बात करें, लगातार दो दिन हम वीकनेस देख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये रीज़न यही है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया, वहाँ पे अभी भी एक कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। बट एक्चुअली स्पीकिंग ये एस्केलेट हो रहा है। अब बेलारूस, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल ऑल्सो एंटर यूक्रेन। तो ये एक अब धीरे धीरे अब सारे ही कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग अ कंसर्न इन दी एक्विटी मार्केट। और उसी वजह से हम देख रहे हैं दी अदर कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो ऊपर जा रहे हैं कंटिन्यूसली। एशियन मार्केट्स की बात करें तो हम वहाँ पे भी करीबन 1 से 1.5% की कट दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर के आसपास आ चुका है, 108.76 पर बैरल। गोल्ड 1935 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। रुपी मंडे के दिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाते हुए 75.34 पे क्लोज हुआ, बट आज फिर से हम देखेंगे थोड़ी बहुत वीकनेस, बिकॉज ऑब्वियसली दी FIIs कंटिन्यूज टू बी अ सेलर। FIIs ने करीबन 4,000 करोड़ के आसपास बिकवाली की है, उसके सामने DII ने भी लगभग उसी रेंज में बाइंग की है, 4,143 करोड़। 10-year G-Sec की हम बात करें तो 10-year G-Sec 6.776 पे आया है, जो कि थोड़ा सा स्टिकी होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम देखेंगे उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, ब्रेंट क्रूड ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। ये इंडियाज रेटिंग की रिपोर्ट भी आई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इम्पोर्ट बिल ये दिस फिस्कल कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड $600 बिलियन के ऊपर, विच विल इम्पैक्ट आर इन्फ्लेशन एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके साथ साथ EU फाइनेंस मिनिस्टर्स ने अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ये इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है या कितना होगा। इसका अब फ्रांस, ऑल दी फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन हैव सिट डाउन एंड डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो 16,400 के आसपास है, और मेरे ख्याल से आज उसी के आसपास ये खुलने के चांसेस है। करीबन अभी SGX निफ्टी करीबन दिखा रहा है 16,500 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे। रेजिस्टेंस 16,800 बरकरार है। मंडे के दिन हमने देखा जस्ट मतलब 16,000 के 7-8 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ। ऑन द इंट्राडे यस इट ब्रीच 16,800 बट नॉट ऑन द क्लोजिंग बेसिस। राउंड आपको 20-25 पॉइंट का लीवे यहाँ पे देना होगा, बिकॉज इट इज़ सो वोलेटाइल कि आप एक प्रिसाइज नंबर लेके कभी नहीं चल सकते हैं। तो 16,800 के आसपास एक ये बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बियॉन्ड 17,075 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये हो सकता है प्रोवाइडेड एक कोई रेजोल्यूशन आ जाए, मेरे ख्याल से आज सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन है बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, देखते हैं कि क्या आता है। होपफुली अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, अदरवाइज़ जैसे मैंने मंडे को भी कहा था कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 15,500, जिस तरीके से चार्ट बन के आ रहा है ऑन द वीकली चार्ट, तो वीकनेस पहले से ही बनी हुई है। मंथली चार्ट भी दिखा रहा है कि यहाँ से वीकनेस और बन सकती है, तो आपको पोर्टफोलियो को हेज करके चलना होगा। या और उसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो एक स्टॉक बिल्डिंग पोर्टफोलियो भी है, म्यूचुअल फंड बिल्डिंग पोर्टफोलियो का टाइम भी है इस समय, तो आपको धीरे धीरे बाइंग भी करनी है इस पैनिक में, बट उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो को हेज भी करना है अगर आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहाँ पे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप अनड्यू रिस्क ना लें, लेवरेज ना रहें,
और अगर ट्रेडिंग स्टॉक्स या ट्रेडिंग पोजीशंस हैं आपकी, तो आपको हेज करके बहुत ज़रूरी है चलना होगा। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप की तरफ आपका रुझान है, तो आपको ये सही समय है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 30 डेज 45 डेज आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर विल बी वेरी वेरी चॉपी, वेरी वेरी वॉलेटाइल। होपफुली सेकेंड ऑफ द हाफ ऑफ द ईयर जो भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रिटर्न्स पाएंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना है वाला है, खास करके दिस मंथ एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। होपफुली अगर कोई रेजोल्यूशन आ जाए और इफ आई एम प्रूव रॉन्ग, दैट बी आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट अदरवाइज इट्स लुक्स वेरी ग्रिम। और चार्ट्स तो यही इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस और आने वाली है। एटलीस्ट 15,500 के यहाँ पे आना चाहिए, ये मुझे लगता है। यहाँ से करीबन 1200 पॉइंट निफ्टी का है। हमने मंडे के दिन 16,300-16,350 के आसपास आए थे, बट वहाँ से आई एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। जब एक अनाउंस हुआ कि यूक्रेन और रशिया डिस्कशन टेबल पे आ रहे हैं, एक वन राउंड ऑफ डिस्कशन भी हुआ, बट कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, इसलिए अब सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन भी होगा। होपफुली इफ दैट पैंस आउट, देन वील सी सम काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी, सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन बिफोर दी अप मूव स्टार्ट्स। बट अदरवाइज इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट इन द मार्केट आपको पोजिशंस बनाने के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में बने रहना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। सो 16,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे हम जाते हैं तो 16,200, और उसको ब्रीच करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। मैं ये नहीं कह रहा आज ही होगा, बट ये हो सकता है और हम 16,000 को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली मेंशन किया था 16,800, 17,050 से लेके 17,075, ये मुझे लगता है। और तेज़ी कब होगी, जब 17,300 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं या उसके ऊपर चलने लगते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा फ्रॉम द वीकनेस टू पॉजिटिव। बट तब तक हम डिफ़िकल्ट फेज़ में है। सो 17,300 एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, ये आपको देख के चलना चाहिए टू चेंज द स्टैंड फ्रॉम नेगेटिव और न्यूट्रल टू पॉजिटिव। सो ये इन्फॉर्मेशन के साथ आई विल क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई फीडबैक या कोई कमेंट्स हैं या कोई आपके स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप राय चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।